देखिए, अब मैंने यहाँ ब्लैक कलर थोड़ा लगा के लिया है। जब हम ब्लैक कलर लगाते हैं तो कहीं भी व्हाइट नजर नहीं आना चाहिए, जो भी पोर्शन है ना, जैसे कि अभी देखिए कान है, चेहरा है, ये शोल्डर्स है, हाथ है, यहाँ कहीं भी व्हाइट नजर नहीं आना चाहिए। इसलिए देखिए यहाँ सब मैंने, इसके ऊपर भी मैंने कंगन जो है उसके बैंगल्स, उसके ऊपर भी मैंने ब्लैक चढ़ा दिया है। बाद में हम इसके ऊपर कलर करेंगे। तो अब देखिए यहाँ, जब हम कलर करते हैं तो देखिए इस तरह इसमें मैं कलर ले रही हूँ, येलो कलर। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, एक दो तीन ड्रॉप्स, फिर कलर करना है, डायरेक्ट नहीं करना कभी। थोड़ा सा पानी डाल के फिर हम कलर करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके लेना, क्योंकि थोड़ा जब हम पानी डालते हैं तो ये पेपर जो है वो अच्छे से खींच लेता है। देखिए ऐसे, ऐसे करके। और इसके ऊपर अगर थोड़ा सा प्रिंट भी दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, वो एक नेचुरल, एक अच्छा लुक आता है उसके ऊपर। बहुत सारा मल मत देना कलर, वो एक डिजाइन की तरह दिखाई देगा। देखिए, लेकिन कहीं भी गैप्स मत छोड़ना, अच्छे से कलर लगा देना है आपको। चाहे तो सेकंड कोट भी आप लगाइए, लेकिन बहुत गाढ़ा गाढ़ा कलर नहीं यूज करना, इस तरह करना है आपको। मैं सिर्फ यहाँ फ्रंट साइड करके बताऊंगी, बैक साइड में बाद में करती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए ऐसे हो गया, यहाँ पे हमने येलो कलर कर दिया। अब अभी ये हो गया, अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ थोड़ा। मैं यहाँ थोड़ा सा व्हाइट ले रही हूँ, ब्लू ले रही हूँ। वीडियो करते सर, वीडियो कर रही हूँ। ये थोड़ा सा मैं लाइट कलर बना के ले रही हूँ यहाँ। क्योंकि ये ब्लैक है ना, यहाँ पे अगर आप बहुत डार्क कलर यूज करते हैं तो वो कॉन्ट्रास्ट नजर नहीं आएगा। एक सेकंड,